नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। एआरटीओ उन्नाव 24/9/2021 से 30/9/2021 तक द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू। जनपद उन्नाव पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और शासन की मंशा अनुसार आज दिनांक 24/9/2021 से 30/9/2021 तक द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी उन्नाव कार्यालय में सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान एआरटीओ आदित्य त्रिपाठी, अरविंद सिंह, हरिराम पांडे, यातायात प्रभारी उन्नाव अरविंद पांडे, में स्टाफ के साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन टैक्सी टेम्पो संचालक और चालक परिचालक को भी मौजूद रहे और सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर एआरटीओ कार्यालय परिसर से शहर की तरफ रवाना किया गया। जागरूकता संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए और क्षेत्र में प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान बिना मास्क के 5 चालान 2000 रुपए, शमन शुक्ला बिना हेलमेट 3 सवारी बिना सीट बेल्ट के कुल 87 चालान 17,000 रुपए शमन शुल्क और क्रेन द्वारा नो पार्किंग में खड़ी कार को उठाया गया और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन किया गया, शेष कुशलता रही। लाइव टीवी समाचार के लिए जिला संवाददाता आरिफ अली शेख की रिपोर्ट। वो स्वयं तो रहते हैं अपने साथ साथ कम से कम 10-10, 20-20 लोग उनके साथ उनके पीछे बैठे हुए लोग हो गए। आप लोगों को अपने साथ साथ उनके जान की और उनके एक्सीडेंट या उसके विषय में बिल्कुल ध्यान रखना है और ध्यान रख के आप गाड़ी चलाएंगे तो बिल्कुल इनमें वो कमी लाई जा सकती है। जैसे रोडवेज विभाग हो गया, रोडवेज विभाग में मैं देखता हूँ थोड़ा सा हम लोगों की भी कमियाँ होती हैं, पब्लिक की भी कमियाँ होती हैं। जहाँ पाएंगे वहीं बता देंगे सर यही गाड़ी होगी, मुझे यही निकलना है। आपके सारे स्टाफ बताने को निर्धारित किए गए हैं, अगर आप वहाँ गाड़ी लगा देंगे वहाँ सुधार के वो कर देंगे तो बिल्कुल इसमें कमी लाई जा सकती है। एक आध एक्सीडेंट इस बार हुए हैं जो मेरे संज्ञान में है सर, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग सब लोग वो करेंगे तो बिल्कुल इसमें कमियां लाई जा सकती हैं और कर दिया जा सकता है। बाकी हम लोग बराबर प्रयास कर ही रहे हैं, किसी न किसी उसमें बीच बीच में वो चला अभियान चला के या मतलब सड़क सुरक्षा या नारी सशक्तिकरण इस बार चीजों पर वो करके ठीक है सर। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।